नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। शनिवार को गांव इसाओ में समस्त रावल समाज की बैठक आयोजित हुई। जानकारी के अनुसार बैठक में जैतल रावल प्रकरण में समय पर न्याय नहीं मिलने पर आगामी विधानसभा में मतदान का बहिष्कार करने की बात रखी। बैठक के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया। समाज बिंदुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि जैतल रावल की गत 7 अक्टूबर को मातृ छाया अस्पताल में प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। जबकि पुलिस ने गत 7 अक्टूबर 2023 को अस्पताल व प्रबंधन के विरुद्ध मामला दर्ज किया था और समाज बंधुओं व प्रशासन के समक्ष आश्वासन दिया था कि उपखंड अधिकारी के देखरेख में मेडिकल टीम गठित कर सप्ताह भर में अस्पताल की जांच करवाई जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को टीम गठित करने के लिए लिखा था। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की है हट धर्मीयता और लापरवाही के कारण आज दिन तक मेडिकल टीम गठित नहीं हो पाई, जिसको लेकर एक महिला को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। पीड़ित पक्ष और समाज के लोगों ने स्थानीय व जिला प्रशासन के समक्ष कई मर्तबा चक्कर लगाए, लेकिन मेडिकल टीम द्वारा जांच करवाने का मात्र आश्वासन ही दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित व समाज के लोगों ने शनिवार को इसाओ गाँव में बैठक आयोजित की और उसमें समाज के 22 तारीख तक का प्रशासन को इस प्रकरण न्याय दिलाने का समय दिया। समाज बंधुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो 23 तारीख को एक बार फिर उपखंड कार्यालय के बाद एकत्रित होकर आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। वही समाज बंधुओं ने आगामी आबू पिंडवाड़ा विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की भी बात रखी है। मातृ छाया हॉस्पिटल में जो जैतल कुमारी की वाइफ ऑफ श्री चिराग कुमार, जो यही हमारे एसाओ के बंदे हैं, उनकी पत्नी की हॉस्पिटल की लापरवाही से जो असामयिक मृत्यु हुई है और उस पर आज तक कई बार प्रशासन को समाज द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से दुखी होकर के व्यथित मन से सभी युवाओं में इतना सारा रोष था कि उस रोष के चलते एकत्रित होकर के, और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आप यदि इस प्रकरण में हमें न्याय नहीं मिलता है, समाज की बेटी को न्याय नहीं मिलता है, तो आने वाले समय में इस चुनाव के जो महापर्व है, हम दुखी मन से ये बात कहते हैं। हमारे समाज सारा शिक्षित और पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन इस तरह के कृत्य पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आज तक चुप्पी साधे रखना हम सबको बहुत परेशान, और सबको यूं समझिए कि सभी इस बात से दुखी हैं कि आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस हेतु कि भाई 25 तारीख को हम लोग जो हैं वो सरकार को सूचित करें कि यदि हमें न्याय नहीं मिला, 22 तारीख का हमने निर्णय लिया है कि सरकार प्रशासन 22 तारीख तक हमारी मांगों के संबंध में, आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं इसके संबंध में, यदि उचित निर्णय नहीं लेती है तो 23 तारीख को हम सभी पुनः एसडीएम कार्यालय पर उपस्थित होंगे और 25 तारीख को हमें क्या करना है इसके बारे में निर्णय। आज जो आप सब बैठक में उपस्थित हुए, कौन कौन से गांव से लोग हैं और कितनी संख्या में जो आज एकत्रित हुए? जी, पूरे 21 गांवों के लोग हैं, जिसको रुआई परगना कहते हैं, आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र से है, लेकिन आने वाले समय में समस्त रावल ब्राह्मण समाज के लोग 25 तारीख को जो भी निर्णय लिया जाना है, 25 तारीख को समाज के द्वारा क्या किया जाना है इसके बारे में 23 तारीख को हम निर्णय लेंगे। और पूरा आबू पिंडवाड़ा ही नहीं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारा समाज जो संपूर्ण सिरोही, जालौर और पाली जिले में है, हमारा समाज इस बात को नोटिस ले रहा है कि समाज की एक युवा युवती का बेदर्दी से असामयिक मृत्यु हो जाना और उस पर जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होना, इस पर समाज में रोष है और उस रोष के संबंध में हम सभी एकत्रित हैं।